अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, वेलकम टू अमार फारूकी ऑफिशियल व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और लास्ट व्लॉग और ये रमज़ान के व्लॉग्स आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, पसंद भी आ रहे होंगे। अच्छा जी, अब क्योंकि ताक रातों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, इबादत का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, जो हम पिछले 20 दिनों में जो हम लोगों ने इबादत की उसको अब डबल ट्रिपल कर हमें इबादत भी करनी है। और अल्लाह ताला से अपने लिए और तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए मगफरत की दुआएं भी मांगनी है, सेहत के लिए भी दुआ करनी है, कारोबार के लिए भी दुआ करनी है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर दुआ कर दी है। और प्लीज़ इन दुआओं में आप लोग फ़लस्तीन को मत भूलिएगा, गाज़ा के बच्चों को मत भूलिएगा, गाज़ा के लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन लोगों की गैब से मदद फरमाए इंशाअल्लाह ताला। सो जिस तरह रमज़ान ख़त्म होता चला जा रहा है, इसी तरह रमज़ान सीरीज़ भी हमारी ख़त्म हो रही है। और आज एक बड़ा स्पेशल व्लॉग होगा। आज मैं बेसिकली जो हमारे जो लोग हैं, जो मेरे साथ जो काम करते हैं इस पूरे दस्तरखान में, जो हेल्प करते हैं मेरी, आज मैं आप लोगों को सब लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगा, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। सो लेट्स गो एंड एंजॉय द व्लॉग। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि जो भी हम एहतमाम करते हैं इफ्तार का, जो भी दस्तरखान होता है उस पर ज़ाहिर मैं अकेला नहीं करता, मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, मेरी एक पूरी टीम है और उस टीम के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए मैं आज आप लोगों को अपनी टीम से मिलवाता हूँ। और आ जाओ। तो सबसे पहले ये तो जी हमारे टीम मेंबर्स खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बस तुम लोग आराम से बात करो। हाँ। ये एक मिनट, ये हमारे कुक हैं खुर्शीद साहब, जाहिद का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अल्लाह ताला उसके बच्चों की मगफिरत करे और उसको सब्र जमील अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। जाहिद हमारे एक कुक है जो रमजानों में आता है, और ये हमारे परमानेंट कुक है खुर्शीद साहब। अच्छा, ये हयात भाई। अच्छा, सब अपना अपना बताते रहे ना, नाम बता। हयात मामा सामने देख, सामने। अच्छा हयात, ये बता कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है रमजानों में? रोटी बांटना इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा भाई, तू बता। हो गया मेरा पकाना, और अंदर का भी और बाहर का भी। जैद के जाने के बाद मैंने स्टार्ट किया है, उससे पहले तो मैं अंदर का करता था और जैद भाई बाहर का संभालते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है और शुक्र है मालिक का, और बहुत लोग बहुत अच्छे हैं। और कभी कभार गुस्सा करते हैं, गुस्सा प्यार तो वो चलता ही रहता है, अब उसके बगैर तो वक्त ही नहीं गुजरता। कभी वो डांट लेते हैं, कभी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ये तो चलता ही रहता है। अच्छा भाई शहजाद, ये आया है क्या कहते हैं जाहिद के जाने के बाद, हमने एज अ रिप्लेसमेंट इसको बुलाया था और ये मेरे ख्याल में 2-3 दिन 4 दिन के लिए आया हुआ है जब तक जाहिद नहीं है। कैसा एक्सपीरियंस गुजरा है? जोर से बोल। सही गुजरा है। सही गुजरा है। कैसा रहा आज रमज़ान? सही रहा, मज़ा रहा। चलो अच्छा जी, ये आ गए हैं शावक साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमर भाई का ड्राइवर हूँ। तो मेरी ड्यूटी यही था कि मैं फरूट मरता रहता था, लोगों को देता था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नंबर गुजरा और अल्लाह से आगे भी इंशाल्लाह ऐसे गुजरेगा। शाबाश, कितना अरसा हो गया तुम्हें यहाँ? मैं 2017 की नवंबर महीने में आया था अमर भाई के पास, अभी 2024 चल रहा है। जिंदगी ने साथ दिया तो 2030 तक टारगेट है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे तक देखते हैं। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इधर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आ गया जी, ये आप इनके धान पान से आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा फिट बंदा है। हमारे जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा फिट है। हाँ भाई, तेरी क्या जिम्मेदारी थी? हमारी जिम्मेदारी है सालन देना, लोगों की खिदमत करना, खिदमत देना, गिलास देना, और थोड़ा थोड़ा गुस्सा करना। गुस्सा धार हुआ कहते हैं, हंसी भी हार हुआ कहते हैं। ये हमारे जो उवैस भाई हैं, उवैस भाई का बहुत चहीता है ये। और वैसे ये अल्लाह का शुक्र है, ये पूरी टीम है। मैंने कहा मैं आप लोगों को मिलवाऊं इस टीम से। और इधर आ बेटा, इधर आओ, कुछ नहीं है। अच्छा इधर आओ, करो इधर आओ। अच्छा भाई, ये हमारे इधर आ जाओ भाई, इसको आप लोगों ने बहुत देखा होगा। ये ऊपर क्या लगा हुआ चल रहा है? मेरा काम था बर्फ लाना और रोटी संभालना और मजीद जो है ना पतीली वतीली रखना,
और बाकी सालन बांट ना देना, ये काम था अपना गुजर गया और बाकी भी उम्मीद कर चला करे गुजर जाए। अच्छा, और ये भी बताना जिस दिन जोड़े बांटे थे उस दिन क्या हुआ था? जिस दिन जोड़े बांटे थे किसी को दो दो आए मिल गए सर, 350 जोड़े बांटे थे उसमें से सबको मिले। अभी मैं किसी से छीन कर भी लाया था ना तू? जी हाँ, एक दो बंदों से छीन के भी लाया था, क्योंकि वो लेके डबल लेके गए थे, डबल तीन तीन लेके जा रहे थे, तो इस वजह से। अपना तारा बता, मैं क्या हूँ? और भाई तू क्या है यहाँ और कितना साल हो गया? मैं 2018 में आया था और यहाँ मेरा 6 साल हो गए। मैं अमार भाई उवैस भाई के साथ गनमैनी गार्ड में हूँ और ऑफिस भी जाता हूँ, अमार भाई के साथ होता हूँ। चलो जी, मैंने कहा आपको हम पूरी टीम से मिलवा दें। और ये वो लोग हैं जिनके सपोर्ट के बगैर, जिनकी हेल्प के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है गुस्सा भी आता है, बेचारे गालियाँ भी सुनते हैं और डांटे भी सुनते हैं, लेकिन उतना ही प्यार मोहब्बत भी करते हैं, लोगों को भी पता है। और बस ये दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला जिस तरह हम लोग ये कर रहे हैं, इस तरह अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, इनकी माल में, इनके औलाद में बरकत अता फरमाए और इन तमाम लोगों के घरों पर ख़ास तौर पर अपनी रहमतें, बरकतें और नेमतें अपनी हैसियत के मुताबिक नाजिल फरमाए। इनके बच्चों को और इन लोगों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की और कामयाबियाँ अता फरमाए इंशाल्लाह, और इनको बहुत खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये आज हमारा अफ्तार है जी। छोला चाट आ गई है, पकौड़े आ गए हैं, जलेबी आ गई है, अच्छा तरबूज आ चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रूट चाट है, चिप्स हैं और ये चिकन वोंगटोंग्स हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब हम लोग अपनी अफ्तारी के लिए बैठेंगे और अफ्तार करेंगे। और आज मेरे ख़्याल में मैंने पहली दफ़ा अफ्तारी का दिखाया है कि आज क्या अफ्तारी है, तो इंशाल्लाह अब देखते हैं आने वाले वक्तों में भी। और ये सामान जी हमारा रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह सौदा मौजूद है, तो बस अब इंशाल्लाह अफ्तारी करते हैं। 4-5 मिनट अफ्तारी के रह गए, फिर इंशाल्लाह फिर देखते हैं। तो हम लोग जी यहाँ पर आ चुके हैं चैटर बॉक्स में, एज यूजुअल हमारी फेवरेट प्लेस। रहमा इज़ वेरी 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 एक्साइटेड और शी इज़ प्रेइंग टू गॉड एंड शी इज़ थैंकिंग अल्लाह ताला बेसिकली। और ये हादिया ने भी माशाल्लाह बड़ा खुश है, और रहमा बता रही है कि सिंस डे वन जब से रमज़ान शुरू हुए हैं शी ऑलवेज वॉन्टेड टू कम टू चैटर बॉक्स, लेकिन इत्तफाक से मौका ही नहीं मिला इसको लाने का। तो आज शी इज़ वेरी 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 हैप्पी एंड एक्साइटेड, और ये बता रही है कि बाबा ने मुझे ऑप्शन दिया था आईफोन 15 प्रो मैक्स का और क्या कहते हैं चैटर बॉक्स, एंड शी ऑप्टेड फॉर चैटर बॉक्स। और शी इज ऑल्सो हाजरा इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड एवरीबडी इज माशाल्लाह इंजॉइंग देयर टाइम। और आज काफ़ी दिनों बाद हम चैटर बॉक्स आए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लेस है। एंड रहमा बस वही बता रही है, असल में अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक खुला नहीं था जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो इनकी आ नहीं पा रही है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर इसके ऊपर कर दूं। एंड रहमा इज बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा बोल रही है नॉन स्टॉप लाइक अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स में बैठ कर शी इज अ चैटर बॉक्स। एंड हियर इज हादिया एंड हाजरा वॉज ओके, हाजरा वॉज ओके। ओके जी, सो ये आ गई जी हमारी ब्लैक कॉफ़ी और अमेरिकानो आ चुकी है, और ये यहाँ पर माशाल्लाह दे आर सो हंग्री के दे हैव अटैक दिस बास्केट। लेट्स सी, माशाल्लाह ख़त्म भी हो गई। ओके, सो द फूड इज़ हियर फाइनली, रहमा का एज यूजुअल ग्रिल्ड चिकन विद फ्राइज एंड हाजरा का इट्स Creo burgers with fries, and she has gone for pasta. Let's see कि जब पास्ता आता है तो क्या आता है। And ये देखें जी, Rama, are you happy now? More than happy, but this is so hot. Okay, that's good. Haja, what about you? Yes, I'm very happy. You are happy? You should guys to come and guys definitely you should come to Tanamount because it sells the most fresh food and the most hot food. ओके, सो लेट्स सी। ओके जी, तो हादिया आपने क्या मंगवाया? पास्ता, इट्स रेड चिली पास्ता। ओके, रेड चिली पास्ता एंड ये देखें जी माशाल्लाह,
all the girls are happy now. और चैट बॉक्स जैसे कि आप लोगों को मैं पहले बहुत 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 दफ़ा दिखा चुका हूँ, फेवरेट प्लेस है जी रहमा की मेरी। मैंने अभी सिर्फ क्योंकि रमज़ानों में मैं कुछ खाता नहीं हूँ रात को अफ्तारी के बाद, अब डायरेक्ट सुबह सहरी करेंगे, लेकिन बच्चियों ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया हुआ था, ख़ासतौर पर रहमा ने। शी हैज़ बीन आफ्टर मी सिंस डे वन ऑफ रोज़ास, डे वन ऑफ रमज़ान के बाबा चैट बॉक्स कब जाएंगे। सो हियर वी आर एट चैट बॉक्स नाउ। आई होप कि आप लोगों का आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरी रमजान सीरीज बेसिकली खत्म हो चुकी है। मैं मजीद क्या कहते हैं दस्तरखान मैंने बहुत दिखा दिया आप लोगों का, आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह हम लोग दस्तरखान को मैनेज करते हैं। और ये जो मेरा जो एम्प्लॉयज हैं ये माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बहुत पुराने लोग हैं, किसी को 7 साल हो गए, किसी को 6 साल हो चुके हैं, सारे इतने पुराने हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड माशाल्लाह। और इनके बगैर ऑब्वियसली ये दस्तरखान बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, और ये लोग बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं, और बेसिकली आप ये कह लें कि मेरे सीधे और उल्टे हाथ हैं ये लोग, और मैं बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में। ज़ाहिर है रमज़ान रोज़े से पहले कुछ कभी कभार आपको पता है कि मूड भी ऑफ होता है, कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है, तो इतने लोगों को मैनेज करना भी एक आर्ट है, मैं यही कहूँगा। और इसमें हमारे एक दो लोग शॉर्ट थे जैसे कि जाहिद, मैंने आप लोगों को बता दिया था, और एक हमारे गार्ड चाचा हैं वो भी कहीं गए हुए थे, वो भी मौजूद नहीं थे। तो इट्स अ टीम एफर्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और प्लीज़ जाहिद को और उसकी बीवी बच्चों को अपनी दुआओं में बिल्कुल याद रखिएगा। और आजकल ताक रातें स्टार्ट हो चुकी हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग दुआएं कर रहे होंगे, आप लोग इबादत कर रहे होंगे, अल्लाह ताला आप लोगों की सारी इबादत को सारी दुआओं को कबूल करे। और प्लीज़ 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 मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक दफ़ा दोबारा कामयाबी की राह पर गामजन कर दे। और एंड में प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर गाजा, डोंट फॉरगेट टू प्ले फॉर पैलेस्टीन, पैलेस्टीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। और अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखिएगा, छोटों से प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आइएगा। और एंड में प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड यस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब। अम्मार फारूकी ऑफिशियल साइनिंग ऑफ।